में यूजीसी द्वारा दो विषयों की राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा दो विषयों की राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में संगीत व नाट्य विषयक दो राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ उपस्थित थे। संगीत की डॉक्टर नीरा चौधरी, पूर्व अध्यक्ष संगीत विभाग मगध महिला महाविद्यालय पटना, एवं नाटक के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, प्रधानाध्यापक तथा रिसर्च कोऑर्डिनेटर राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर, दोनों विषयों के विशेषज्ञों सहित महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर रजी अहमद, अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर भोला चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। अतिथियों द्वारा मंच पर आसन ग्रहण के बाद विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति की गई। अपने उद्बोधन में महाविद्यालय निरीक्षक एवं छात्र कल्याण ने ऐसी कार्यशालाओं की महत्ता पर प्रकाश डाला। नाट्य विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने भारत के नाट्य शास्त्र में निहित नाट्य सहित नाट्य के अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि अपने साधारण व्याख्यान में इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए, जिसमें प्रायोगिक पक्ष को भी समाहित किया जाएगा। संगीत की विशेषज्ञ डॉक्टर नीरा चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से संगीत के विद्यार्थियों को सहज लाभ होता है और यह अनूठा अवसर है। जब दो विषयों की राष्ट्रीय कार्यशालाएं एक साथ चल रही हैं, उन्होंने तकनीकी सत्र में राग एवं रागांग की बृहद चर्चा के बारे में विस्तार से बताया। संतोष झा, BTN न्यूज़।